जय हिंद दोस्तों, एक नया सेशन में हम आप लोग के बीच वैकेंसी निकल के जो आया है मैं आप लोगों को लेके आया हूँ, जो कि एनटीपीसी की ओर से, एनटीपीसी की ओर से वैकेंसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से वैकेंसी निकल के परमानेंटली जॉब है, इसलिए वीडियो बनाने का मेरा वो हो गया है। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले मैं वीडियो बनाया था, ITI वाले के लिए अप्रेंटिस की वैकेंसी आई हुई थी और स्पेशल ड्राइव वैकेंसी आई हुई थी जो कि सिर्फ ST के लिए, ST के लिए वैकेंसी आउट हुई, लेकिन इसमें क्या है कि सभी लोग एलिजिबल हो जाएंगे फॉर्म को भरने के लिए। सीट की संख्या देख लो पहले यहाँ पे, ओके, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो 18 सीट सिर्फ डिप्लोमा वाले के लिए है, और उसके बाद से यहाँ पर देख सकते हो 10 × 2 = 20, यहाँ पर 12 आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर 32-33 आप लोग का सीट जो कि है सिर्फ ITI वाला बंदा एलिजिबल है फॉर्म को भरने के लिए। ओके, हम डिटेल में आप लोगों को बताएंगे क्या क्या है, कौन कौन एलिजिबल है फॉर्म को भरने के लिए। ओके, अब देखो ये जो वैकेंसी निकल के आई है यहाँ पे बोन गोइन थर्मल पावर स्टेशन से, ये ईस्टर्न रीजन मतलब कि NTPC लिमिटेड, ये देखो यहाँ पे एड्रेस दिया गया, यहाँ पे कोक राज आसाम, मतलब कि ये एड्रेस मतलब इस जगह से वैकेंसी निकल के आई है। यहाँ पे जो वैकेंसी निकल के आई है परमानेंटली है, ठीक है, सरकारी नौकरी रहेगा, सब चीज़ मैं बताऊंगा आप लोग का, देख लीजिए। उसके बाद से यहाँ पे आप लोग का डिप्लोमा ट्रेनिंग और आर्टिसन ट्रेनिंग, जब भी वैकेंसी आउट होती है डिप्लोमा वाले के लिए तो ये डिप्लोमा ट्रेनिंग के नाम पे आउट होती है, ITI वाले की जब भी आउट होती है वैकेंसी तो आर्टिसन ट्रेनिंग के नाम पे आउट होती है, आर्टिसन ट्रेनिंग, ITI असिस्टेंट मटेरियल स्टोर कीपर ट्रेनिंग, इसी को मतलब यही सब बात ये लोग बोलते हैं और ये निकालते भी हैं तो ये सब लिखते हैं। फिटर वाले के लिए 7 है, इलेक्ट्रीशियन वाले के लिए 10 है, इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक वाले के लिए 10 है और असिस्टेंट मटेरियल स्टोर कीपर वाले के लिए यहाँ पे 5 सीट पर वैकेंसी आउट हुई है। टेक्नीशियन कहीं देखो कहीं कहीं होता है क्या, टेक्नीशियन सिर्फ लिखा जाता है ITI वाले के लिए, टेक्नीशियन कहीं कहीं लिख देता है लोग सीनियर टेक्नीशियन, कहीं होता है असिस्टेंट टेक्नीशियन, मतलब क्या है कि यहाँ पे ट्रेनिंग, यहाँ पे देखो जब वैकेंसी निकल के आई है तो यहाँ पे बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन लगा दिया गया है, वो चीज़ मैं आप लोग को बताता हूँ। देखो यहाँ पे जो वैकेंसी निकल के आई सबसे जरूरी बात यही है, यहाँ पे आप लोग तो एलिजिबल हो, ये ट्रेड सभी लोग एलिजिबल है फॉर्म को भरने के, जो भी ट्रेड ये सब जो भी ट्रेड मतलब बिलोंग करता है, अगर आपके पास ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, फिटर ट्रेड है, इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड है, मैकेनिक है, तो आप एलिजिबल हो फॉर्म को भरने के लिए, ये बात साफ साफ समझ लो। अब उसके बाद ट्रेनिंग मतलब यहाँ पर बताएगा प्लेसमेंट आप लोग का, अब देखो डिप्लोमा ट्रेनिंग जब आप ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे 2 साल आप लोग का ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि 24,000 पर मंथ ये सिर्फ तुमको ट्रेनिंग में मिलेगा, ऐसा नहीं है कि समझ लेना कि 24,000 आप लोग का डिप्लोमा है तो 24,000 नहीं, ये आप लोग का ट्रेनिंग में रहेगा, उसके बाद से आप लोग का 2 साल बाद आप लोग का सैलरी बहुत ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाएगा, कम से कम ये सैलरी आप लोग का ना 45+ में चल जाएगा, ठीक है। और देखो ITI वाले के मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर आर्टिसन ट्रेनिंग, असिस्टेंट मटेरियल या स्टोर कीपर ट्रेनिंग के लिए जो वैकेंसी, यहाँ पर भी आप लोग का 2 ही साल का रहेगा, ठीक है, 2 साल का आप ट्रेनिंग यहाँ पर भी ये लोग को भी दें, दोनों लोग का 2 ही साल का 21,500, ओके ध्यान रखना। उसके बाद से ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन हो जाएगा ट्रेनिंग तो आप लोग का सब चीज़ आप लोग को मिलना स्टार्ट हो जाएगा, W3 ग्रेड में आप लोग को रख दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो वैकेंसी निकल के आई है तो यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशन लिखा गया कि यहाँ पे जो स्टूडेंट यहाँ पे असम से बिलोंग करते हैं, ठीक है, 11 जिला को यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे परमानेंटली रेसिडेंटियल सर्टिफिकेट PRC ओरिजिनल ड्यूरिंग्स इन द सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है, तो यहाँ पे एक बात ये लिख दिया गया, तो आप लोग जैसे कि ऑल इंडिया ये वैकेंसी निकाली हुई है ये NTPC, लेकिन आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे फॉर्म को फिलअप करने के लिए, यहाँ पे ये लोग घुमा फिरा कर बात करते हैं, ठीक है भैया, जगह आपको फॉर्म को सिर्फ फिलअप करवाना था सिर्फ असम वाले बंदा को, तो सिर्फ असम रेसिडेंट ये लिख देते, बोलते कि भाई ऑल इंडिया कनेक्ट नहीं एलिजिबल है फॉर्म को भरने के लिए, ऐसा कुछ भी लिखा करो, क्यों घुमा फिरा के बात करते हो भाई, ओके बच्चा को क्यों गुमराह करते हो, बच्चा ही आपको मिलता है कि आपको गुमराह करने का, सीधे लिखा करो कि सिर्फ ITI जो भी स्टूडेंट असम से बिलोंग करता है वही एलिजिबल है फॉर्म को भरने के लिए, ये ऑल इंडिया का क्या मतलब होता है बताओ, एक ऑल इंडिया कर देते हो, दूसरा बात क्या करते हो आप लोग कि मतलब कि ये लोग भर भी नहीं पाएंगे, ठीक है, सर्टिफिकेट चाहिए, PRC चाहिए, वहाँ का डोमिसाइल चाहिए, रजिस्ट्रेशन चाहिए, वहाँ का एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, फलाना ठिकाना ये सब लगा देते हो यार, बहुत हमें बेकार लगता है, ठीक है। अब आप लोग का क्या रहा है आप लोग जरूर बताइएगा। अब देखो एज लिमिट आप लोग का यहाँ पर 38 साल बताया गया, 38 साल लास्ट रखा गया, मिनिमम आप लोग का 18, मैक्सिमम आप लोग का 38 है, ठीक है, आप लोग को छूट मिलेगा ही इस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे
यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर देख लेना, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर डिप्लोमा वाले के लिए बताया गया है कि फुल टाइम डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से होना चाहिए, कम से कम 60% होना चाहिए। उसके बाद से मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल में फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से है, 60% यहाँ पर भी है एलिजिबल हो। उसके बाद से सीएल से है तो यहाँ पर भी आप लोग एस्टिमेशन वाले इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तो कोई दिक्कत नहीं है, 60% होना चाहिए। सिविल वाले तो सिविल में भी वही टर्म एंड कंडीशन है। अब बात आती है यहाँ पे देख लेना आप लोगों का ये CST PWD यहाँ पे वैकेंसी इन आइडेंटिफाइड पास मार्क, मतलब कि बोला गया कि अगर SC ST से PWD से बिलोंग करते हैं खाली सिर्फ पास मार्क भी है तो आप एलिजिबल हो जाओगे फॉर्म को फिलअप करने के लिए। देखो कितनी आरक्षण दे रहा है, बाप रे बाप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ITI ट्रेनिंग के लिए, तो यहाँ पर देखो 10th मांगा गया, सिंपल सा 10th होना चाहिए। उसके बाद से NCBT या SCBT डज नॉट मैटर, मतलब फिलर ट्रेड से यहाँ एलिजिबल फॉर्म को भले इलेक्ट्रीशियन हो वही टर्म एंड कंडीशन है, 10th पास हो, ITI की SCBT से हो, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से एलिजिबल हो। उसके बाद से ITI इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वाले के लिए यहाँ पर 10th पास हो, ठीक है, कोर्स किए हो NCBT से SCBT से भरो, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको ले लेंगे। उसके बाद से असिस्टेंट मटेरियल वाले के लिए तो यहाँ पर भी आप लोग का बताया गया है कि NCTVT इन स्टोर कीपिंग प्लस आप लोग का हिंदी टाइपिंग होना चाहिए, इंग्लिश टाइपिंग होना चाहिए, 150 की स्टॉक पर मिनट। उसके बाद से यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन यहाँ बता दिया गया, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ओके। अब चलते हैं मेन चीज़ पे आप लोग का, यहाँ पे साफ साफ जो लिखा गया वो चीज़ पे यहाँ पर देख लेना आप लोग का। मैं सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा बता देता हूँ, पहले आप लोग सिलेक्शन प्रोसेस समझ लो, सबका अलग अलग है। देखो डिप्लोमा आप लोग का जो भी स्टूडेंट डिप्लोमा किए हैं उनका 2 स्टेज का होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, कंसेस्टिंग होगा। फर्स्ट स्टेज में आप लोग का एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, 120 क्वेश्चन का टोटल आप लोग 120 रहेगा दोनों मिलाकर, स्टेज 1 स्टेज 2 मिलाकर, ठीक है। उसके बाद से देखो इसमें सब चीज़ रहेंगे, टेक्निकल भी रहेंगे, उसके बाद से आप लोग का जनरल यहाँ पे इंग्लिश रहेगा, एप्टीट्यूड रहेगा, रीजनिंग रहेगा, ओके, ये क्वालिफाई नेचर के रहेंगे। उसके बाद से फिर स्टेज 2 में आओगे, यहाँ पर फर्स्ट में 120 में ये सब रहेंगे, ये क्वालिफाई नेचर का रहेगा, ध्यान रखना। स्टेज 2 में आओगे तो यहाँ पे आप लोग का साफ साफ लिखा गया है डिसिप्लिन, ठीक है, डिसिप्लिन। देखो रिस्पेक्ट और डिसिप्लिन विल बी द कंसेड फॉर द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट स्टेज 1 ऑफर द अपॉइंटमेंट विल बी द इशूड बेस्ड ऑन द मेरिट आप लोग का स्टेज 2 टेक्निकल टेस्ट, ओके। अब यहाँ पे टाइमिंग जो रहेगा आप लोग का दोनों में 2 घंटा का टाइम दिया जाएगा, ओके, मतलब 2 घंटा इसमें 2 घंटा इसमें 0.25 का निगेटिव मार्किंग रहेगा, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। क्वालिफाइंग करना है आप लोग को तो ये मार्क्स आप लोग को लाना होगा जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। तो उसके बाद से आप ITI वाले के लिए देख लीजिए, यहाँ पर भी आप लोग का पार्ट 2 रहेगा, ठीक है, 2 पार्ट्स ऑनलाइन कंसिस्ट यहाँ पर बताया गया, टेस्ट कंसिस्ट, उसके बाद से पार्ट 2, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें बताया गया है कि आप लोग का 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन टेक्निकल सब्जेक्ट फ्रॉम द रिलेवेंट डिसिप्लिन एज एडवर्टाइज्ड, ठीक ना, जो एडवर्टाइज पब्लिक किया गया, जैसे फीटर से है निकला हुआ वैकेंसी, इलेक्ट्रिशियन के लिए निकला हुआ है, तो उससे आप लोग का जो ट्रेड है आप लोग का जो ट्रेड से भरिएगा उससे 70। उसके बाद से पार्ट 2 में आप लोग का बताया गया कि 50 क्वेश्चन पूछेंगे भैया, कहाँ कहाँ से पूछेंगे, इंग्लिश पूछेंगे, क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड पूछेंगे, रीजनिंग पूछेंगे, ये सब चीज़ आप लोग का इसमें आप लोग का करंट अफेयर भी रहेगा और GK GS भी रहेगा, ओके, ध्यान रखिएगा। उसके बाद से यहाँ पर भी बताया गया भैया 2 घंटा का टाइम हम आपको देंगे, उसमें आप लोग का 0.25 का निगेटिव मार्किंग भी रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ओके। उसके बाद से आप लोग का स्किल टेस्ट होगा, जो स्टूडेंट इससे पास हो जाएंगे तो स्किल टेस्ट होगा, ओके, ये क्वालिफाई नेचर का रहेगा स्किल टेस्ट, तो टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं आपको ज़्यादा। अब उसके बाद से देखो यहाँ पर बताया गया आप लोग का जो टेस्ट सेंटर रहेगा, टेस्ट सेंटर सेल विद यहाँ पर बताया गया कंबाइंडेड टू कैंडिडेट एट अ टाइम इश्यूड एडमिट कार्ड, मतलब कि आप लोग को ना ये बता देंगे एडमिट कार्ड पर पब्लिक कर दिया जाएगा कि आपका कहाँ सेंटर हुआ। हमें लगता है कि आसाम में ही आसपास में जो भी क्षेत्र पड़ता होगा तो उसी जगह ये डिग्बई में दे देगा, कहीं आसपास में उसी जगह आसपास में आप लोग को दे देगा। यहाँ पर पूरा सीट को बटवारा किया गया, कहाँ पर क्या है वो चीज़ यहाँ बताया गया। उसके बाद से यहाँ पर भी बताया गया जो आर्टिसन ट्रेनिंग के नाम पर जो वैकेंसी आउट हुई है तो ये चीज़ यहाँ पर बटवारा कर दिया गया, पूरा डिटेल में इसको देख लेना। और कुछ दिया गया है कि नहीं देख लीजिए, यहाँ पे आप लोग का सर्विस एग्रीमेंट बाउंड होगा, ठीक है, यहाँ पे देख लेना थोड़ा सा बाउंड में आप लोग का क्या क्या बताया गया। यहाँ पर डिप्लोमा वाले की 50,000 रुपये देना होगा, ठीक है, 1,00,000 रुपये देना होगा, जो स्टूडेंट EWS OBC से बिलोंग करते हैं तो ST ST से बिलोंग करते हैं PWD से तो 50,000 का,
और ITI स्टूडेंट के लिए भी आप लोग का बाउंड है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बोला गया द सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द आर्टिसंस ITI ट्रेनिंग असिस्टेंट मटेरियल रोल की ट्रेनिंग विल बी द रिक्वायर्ड टू द एस्क्यूट एज सर्विस एग्रीमेंट बाउंड। 50,000 का आप लोग का भी बनेगा, 25,000 का जो भी स्टूडेंट जैसे SC ST PWD से बिलोंग करते हैं तो 25,000 का बनेगा, और EWS जनरल से OBC से बिलोंग करते हैं तो 50,000 का एग्रीमेंट बनेगा ही बनेगा। हेल्थ यहाँ पे आप लोग का देखा जाएगा, मेडिकल फिटनेस भी सब चीज़ बना के लेके जाइएगा, जॉब तो हो जाए यार, ठीक है। अब लास्ट डेट देख लीजिए, यहाँ पे आप लोग का बताया गया लास्ट डेट, आप लोग को मैं बता देता हूँ। यहाँ पे SC BT NC BT सभी लोग एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए, ये बात ध्यान रखिएगा, ओके। अब देखिए लास्ट डेट आप लोग का 15/9, ठीक है, 15/9/2023 आप लोग का लास्ट डेट रखा गया, 23 आप लोग का स्टार्टिंग आप लोग का डेट यहाँ पर 23/8 से आप लोग का फॉर्म भराना स्टार्ट होगा, और 15/9/2023 आप लोग का लास्ट डेट रखा गया। यहाँ पर नोट में देखो वही बात बताया गया कि यहाँ पर भी आप लोग का लिखा गया, नोट कैंडिडेट्स हु डू नॉट प्रोसेस पेमेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट PRC ऑफ VTR, ठीक ना, बोर्ड लॉन्ड यहाँ पे टेटोरियल्स रीजन्स नीड टू अप्लाई। मतलब कि जो स्टूडेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट्स या बोर्ड रोल टेटोरियल रीजन से आते हैं वही लोग फॉर्म को भरेंगे, मतलब कि वहाँ का जो लोकल क्षेत्र है वहीं से आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अदरवाइज जो स्टूडेंट बिहार से बिलोंग करता है, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है, मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है, UP से बिलोंग करता है, नॉट फॉर एलिजिबल है भैया, आप लोग फॉर्म को नहीं भर पाओगे, ओके। तो ये बात साफ साफ ये लोग लिख दिए, ये बात का ध्यान रखिएगा। हमें ज़रूरत इसलिए महसूस हुआ वीडियो बनाने का, क्योंकि कोई बता नहीं रहा था YouTube पे कि भैया ये सब बात है, ओलझोल है, ओके। तो हम सोचे कि चलो यार बच्चा सबको बताते हैं, डिटेल में बताते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है फॉर्म को भरने के लिए। वैकेंसी तो आ गई है, वो तो बात सही है, परमानेंट आई है, लेकिन यहाँ पे एक ओलझोल लगा दिया गया जो कि सभी लोग एलिजिबल नहीं हो पाएंगे फॉर्म को फिलअप करने के लिए, ओके। तो चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अगर ट्रस्टेड हो तो, ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सारा चैनल है यूट्यूब पर, और सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, वंदे मातरम।